जय श्री केदार। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो के साथ डिवाइन स्टोरी चैनल पर। दोस्तों चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है। केदारनाथ जी के कपाट 10 मई को खुलने वाले हैं और इसी के साथ एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है कि 10 मई से नहीं खुलने वाली है केदार नगरी। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि 10 मई से जो बाबा केदारनाथ नगरी को बंद करने का इस समय आह्वान किया जा रहा है, उसी के लिए ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों वीडियो पूरा जरूर देखना और पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम बाबा केदारनाथ यात्रा और बाबा भोले के अन्य तीर्थों संबंधित जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। और दोस्तों अगर आप चार धाम यात्रा संबंधित कोई बुकिंग कराना चाहते हैं, टैक्सी, होटल या हेलीकॉप्टर बुक कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए सारी अरेंजमेंट कराते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि केदारनाथ जी को 10 मई से अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, वहाँ के पंडित पुजारी और तीर्थ पुरोहित जो सभा है उन्होंने एक ज्ञापन दिया है इस समय उत्तराखंड प्रशासन को कि वो 10 मई से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने वाले हैं और अपने होटल और अन्य यहाँ रुकने की जितनी भी उनकी व्यवस्थाएं हैं, दुकानें हैं खाने पीने की, उन सबको ये बंद रखने वाले हैं। जी हाँ, 10 मई से जब यात्रा खुलने वाली है, पहला दिन रहेगा यात्रा, उसी दिन ये तीर्थ पुरोहित सभा यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने वाली है। तो पिछले साल की तरह जैसे एक दिन के लिए पिछले साल भी बंद रखा गया था दोस्तों, सारी दुकानें सब बंद रही थी जिसकी वजह से यात्रियों को बड़ी परेशानी हुई थी और रहने खाने की दिक्कतें हो गई थी दोस्तों। लेकिन उस समय यात्रा चल रही थी, सुचारू थी, अन्य बहुत सारे यहाँ टेंट लगे हुए थे, वहाँ रुकने की व्यवस्था लोगों के लिए हो गई थी। तो इस समय लेकिन दोस्तों 10 मई को लोगों ने होटल बुक कर रखे, बहुत सारे यात्रियों ने अपना एडवांस भी भेज रखा है, तो उन लोगों के लिए बड़ी ही दिक्कत इस समय हो गई है क्योंकि 10 मई को हड़ताल हो सकती है और वहाँ के तीर्थ पुरोहित जो है अपने होटलों को बंद रख सकते हैं, कोई भी होटल दुकानें उस दिन नहीं खुलने वाली है। और इस तरीके का जो है अपडेट इस समय दोस्तों मिल रहा है। दोस्तों फिलहाल जो है प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा और जो भी जरूरी इसके अनुसार होगा वो प्रशासन के द्वारा कदम उठाया जाएगा दोस्तों, शीघ्र से शीघ्र ही। और दोस्तों ये ऐसा इसलिए चल रहा है क्योंकि 2013 की आपदा के बाद से जो है यहाँ लगातार कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। गवर्नमेंट यहाँ इसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट के स्थाई पक्के होटल्स बना रही है जो कि कम प्राइस में यहाँ यात्री आसानी से रुक सकता है, उन यात्रियों के लिए व्यवस्था जो करने के लिए यहाँ मास्टर प्रोजेक्ट चला रखा है, उसी के अंतर्गत जो है यहाँ अनेकों बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं और बिल्डिंगें बनाने के लिए जो है अलग अलग जगह ऊपर यहाँ बड़े बड़े गड्ढे बनाए जा रहे हैं पिलर्स लगाने के लिए। तो जिसकी वजह से दोस्तों वहाँ बने हुए जो लोकल होटल हैं, जिनके जो होटल वाले मालिक हैं, तो उनके भवनों को, उनकी इमारतों को यहाँ काफ़ी दिक्कतें पहुँच रही हैं जिसकी वजह से वो खासे नाराज हैं और उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया है कि प्रशासन को इस समय यात्रा जो है आने वाली है और यहाँ पर अभी भी निर्माण कार्य चल रहे हैं जिसकी वजह से उनको व्यवस्थाएँ कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है और प्रशासन उनको सहयोग नहीं कर रहा है। इस तरीके की जो है विरोध प्रदर्शन और विरोध व्यक्त हो रहा है केदारनाथ घाटी से दोस्तों। हालांकि ये निश्चित नहीं है, ये सब भोले बाबा की इच्छा पर निर्भर है और वहाँ के तीर्थ पुरोहित देखते हैं कि क्या कदम उठाते हैं इसको लेकर। फिलहाल 10 मई से केदारनाथ घाटी को बंद करने के लिए ये आह्वान कर दिया गया है, यहाँ के तीर्थ पुरोहितों ने इसके लिए बैठक कर ली है और एक ज्ञापन भी सौंप दिया है यहाँ के प्रभारी को दोस्तों। और इसकी वजह से दोस्तों बहुत ही जो है परेशानी यात्रियों को आने वाली है। अगर 10 मई से होटल नहीं खुलेंगे तो यात्रियों को रहने खाने की बहुत बड़ी दिक्कतें होने वाली है और 10 मई से ये अनिश्चितकालीन धरना हो सकता है दोस्तों। तो कब तक ये समस्या का हल निकलता है, हम इसके लिए प्रशासन से अपील करेंगे कि यात्रा के अब कुछ ही दिन बाकी रहते हैं और जल्द से जल्द सारी व्यवस्थाओं को सुचारू कर लिया जाए, अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सुधारा जाए और जल्द से जल्द यात्रियों के लिए व्यवस्था की जाए क्योंकि बहुत दूर दूर से यात्रियों ने इस साल यात्रा करने का प्लान कर रखा है और रिकॉर्ड टूट इस साल भीड़ आने वाली है, पिछले साल के भी रिकॉर्ड टूटने वाले हैं दोस्तों। पिछले साल भी दोस्तों
बहुत सारे यात्रियों को रात में बाहर ही गुजारना पड़ा था मंदिर के पास बैठ के रात में, क्योंकि होटल नहीं मिल पाए थे, बर्फ़ की वजह से टेंट टूट गए थे। तो ऐसे ही कुछ हालात इस बार ये विरोध प्रदर्शन कर सकता है, क्योंकि सारे होटल्स को बंद कर दिया जाएगा तो यात्रियों के लिए रुकने के लिए बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो दोस्तों, टेंट का कुछ नहीं कहा जा सकता, उस समय मौसम कैसा रहेगा, बर्फ़बारी होगी तो टेंट लगाना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा कुछ प्रकृति का कहर रहने वाला है और कुछ यहाँ के तीर्थ पुरोहित का कहर रहने वाला है, जिसकी वजह से हो सकता है इस बार 10 मई को आपको यात्रा में दिक्कत आए। यहाँ के तीर्थ पुरोहित और यहाँ का जो प्रशासन है इस समस्या को जल्द से जल्द सुलझा लेगा और यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं आने देगा। तो दोस्तों, देखते हैं कैसा इस समय भविष्य में इसका निर्णय लिया जाएगा। बाकी आपको लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन केदारनाथ धाम के बारे में पाते रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलूंगा ऐसी किसी नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। मैं नवीन कुमार, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव, जय श्री केदार।